बाबू हम आप लोगों को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या कोलिमेशन मेथड से रिड्यूस्ड लेवल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके दो वीडियोस भेजिए। जिन्होंने मेरा देखा है उनको अब हम राइज एंड फॉल मेथड से आरएल कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको सीखेंगे, समझेंगे। बड़ा इजी है, एकदम इजी है बेटा, डरना नहीं, समझने की कोशिश करना। और करते क्या है, कोलिमेशन में तो थोड़ा मोड़ा आपको मेहनत तो करना पड़ा, राइज एंड फॉल में वो भी मेहनत नहीं करना पड़ता, लेकिन हाथ से करके देखिएगा। ऐसा लेवल बुक, इसको क्या बोलते हैं लेवल बुक, ये लेवल बुक को फील करते आई चाहिए, बुकिंग करते आना चाहिए। आपको तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा, आपको ये बनाना होगा। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप सीख लीजिए, समझ लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, एकदम समझेंगे। कुछ नहीं करना राइज एंड फॉल में, बोला सबसे इजी तो कुछ तो बात होगा तब ना बोला इजी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये जिसको हम कोलिमेशन मेथड बोलते उससे भी इजी, कुछ नहीं करना। कंसेक्यूटिव समझते हैं जी, हिंदी में जो बच्चे समझते हैं लगातार संख्या, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर किसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बिना रुक के एक के बाद एक लगातार गया, कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, ठीक है। तो करना क्या है राइज एंड फॉल में, कुछ नहीं, कंसेक्यूटिव रीडिंग को सबट्रैक्ट करते चले जाइए, माइनस करना, सबट्रैक्ट करना मतलब घटा देना है, माइनस कर देना है। क्या करना है, कंसेक्यूटिव रीडिंग शैल बी सबट्रैक्टेड, इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव देन यू हैव टू राइट इन द कॉलम ऑफ राइज, इफ द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज नेगेटिव यू हैव टू बुक दैट रीडिंग इन फॉल कॉलम। कोई दिक्कत है, अब गलती कहां करते हो सीखिए और समझिए। हम क्या बोले, कंसेक्यूटिव को माइनस करना, 1 से किसको माइनस करना है 2 को, 2 से माइनस करना है किसको 3 को, 3 को माइनस करना है 4 से, 4 को माइनस करना है 5 से, 5 को माइनस करना है 6 से, इस टाइप का कंसेक्यूटिव। बच्चा करता है गलती कहां है, 1 को 2 से किया, उसके बाद 3 से 4 को लेकर के 4 को 5 से कर देता है, बीच में एक जगह छोड़ दिया, तो फिर गड़बड़ाने लग जाएगा। कंसेक्यूटिव का ख्याल रखिएगा, क्या कीजिएगा कंसेक्यूटिव कि 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 6 से, 6 को 7 से, 7 से 8 को, 8 से 9 को, ऐसा कंसेक्यूटिव चलते रहिएगा, कहीं आपका गलती नहीं होगा। यदि पॉजिटिव आंसर है प्लस आंसर है राइज के कॉलम में लिखना, नेगेटिव है फॉल के कॉलम में लिखना, ठीक है। बुकिंग करना देखिए, ये सेम प्रॉब्लम को हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से भी समझाया है, जैसे का वैसे लिखा हुआ वही उसी टाइप का है, सिर्फ ये इसके अंदर का हम मिटा दिए ताकि जो पहली बार देख रहा है उसको समझ आ जाए। देखिए रीडिंग दिए हुए आपको, ये रीडिंग दिए और इसके आगे क्या लिखा है, द इंस्ट्रूमेंट वॉज, ये सब वाज पाज नहीं लिखे यहाँ पे, द इंस्ट्रूमेंट वॉज शिफ्टेड आफ्टर 4th and 8th रीडिंग, चौथा और आठवां रीडिंग पे इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया, मतलब चेंज पॉइंट है, जिसको शॉर्ट में हम सीपी बोलते हैं, ठीक। और फर्स्ट जो स्टेशन है या फर्स्ट पॉइंट है उसका आरएल आपको हमेशा दिया रहेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट का आरएल जो बेंचमार्क रहेगा उसका आरएल आपको हमेशा दिया रहेगा, यहाँ दिया हुआ है 820.765 मीटर। आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, पहला पॉइंट तो पहला पॉइंट का तो आपको ये दिया है, लास्ट पॉइंट का जो आरएल आएगा उसको माइनस करना है, ठीक है। और चेक जो करते हैं, गलती कहां करेगा बच्चा, देखिए चेक करते हैं लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, जबकि ये आंसर करना है कि आपको तो चेक का बात है, आपको डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, ये फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है इससे जो आप आरएल कैलकुलेट करेंगे लास्ट पॉइंट का उसको माइनस करना है, ठीक। और इसका चेक दिया, क्या क्या चेक है राइज एंड फॉल का, सबमिशन ऑफ बैक साइड माइनस सबमिशन ऑफ फोर साइड
is equal to summation of rise minus summation of fall is equal to लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, ये तीनों बात को क्या होनी बराबर आनी चाहिए। यदि कहीं आंसर 1.5 आया तो तीनों का 1.5 आना चाहिए, यदि कहीं पे 1 प्लस 1.2 आया तो समीकरण ऑफ बैक साइड माइनस फोर साइड 1.2 आया तो लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल भी 1.2 आना चाहिए, समीकरण ऑफ राइज माइनस समीकरण ऑफ फॉल भी 1.2 आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम नीचे, हैंस चेक, और नहीं आया तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं हमने माइनस करने में प्लस करने में गलती कर दी। यहां तो माइनस है प्लस नहीं, जो क्लास वन क्लास टू में पढ़ते। अब रीडिंग कैसे बुक करते वो देखते हैं। देखिए क्या क्या बोला कि फोर्थ और एट्थ रीडिंग पर इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है, तो फोर्थ रीडिंग गिन लो बेटा, गिनते आता है ना, 1 2 3 4, ये फोर्थ रीडिंग है, ये फोर्थ रीडिंग है, ये फोर्थ रीडिंग को 3. अच्छा दिख रहा है 3.016 फोर्थ रीडिंग है, 1 2 3 4, और ये जो जहां पे शिफ्ट हो रहा है वो फोर्थ साइड में जाएगा। पहला रीडिंग कहां लिखते हैं, फर्स्ट रीडिंग शुड बी एंटर्ड इन बैक साइड कॉलम, लास्ट रीडिंग शुड बी एंटर्ड इन फोर साइड, और जहां शिफ्ट इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो रहा है फोर्थ रीडिंग ये कहां रहेगा, फोर्थ साइड में कहां रहेगा, फोर्थ साइड। अब फोर्थ साइड के बाद फिर से क्या लिखेंगे हम, बैक साइड, तो इसके जस्ट बाद वाला कहां चल जाएगा, बैक साइड में, ठीक है, और उसके बाद वाला कहां जाएगा, इंटरमीडिएट में, लास्ट रीडिंग फोर्थ साइड, ठीक। तो ये हुआ फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एट, नाइन्थ। ये नाइन्थ को क्या करो, ऐसा गोल पेंसिल से अपने एग्जाम पेपर में कर दीजिएगा हल्का सा, कि ये फोर्थ साइड में रहेगा, ये फोर्थ साइड में रहेगा, और लास्ट रीडिंग तो फोर्थ साइड में रह नहीं रहना, पहला रीडिंग बैक साइड में रहना ही रहना। इतना यदि आपका क्लियर हो गया तो आप इस कॉलम को बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड वाला लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला रीडिंग बोला क्या है बेटा, और इधर स्टेशन नंबर लिख दीजिएगा, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर्थ साइड, राइज एंड फॉल से लिख रहे, तो राइज फॉल आरएल, आरएल भी कैलकुलेट करना बताए, बहुत इजी, कुछ नहीं, सिर्फ देखते रहे, सुनते रहे। ये पहला पॉइंट कहां बोला, बैक साइड में, कितना, 0.894, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहां जाएगा, जब तक ये चेंज नहीं होगा, जब तक इंटरमीडिएट में, दूसरा पॉइंट 1.643, तीसरा पॉइंट कितना है 2.896, ये चौथा जहां शिफ्ट हो रहा है, सीपी जहां रहेगा वो कहां रहेगा, फोर्थ साइड में, कितना है 3.016, और इसके बाद वाला ये रीडिंग कहां जाएगा, बैक साइड में 0.954, और कॉलम लिखते ही लिखते लिख दीजिएगा यहां सीपी, क्या लिख दीजिएगा, सीपी, सीपी पर बैक साइड फोर्थ साइड दोनों रहेगा। नेक्स्ट 0.692 कहां जाएगा बेटा, इंटरमीडिएट साइड में, क्या है 0.692, उसके बाद क्या है 0.582, उसके बाद गोल किया आपने, काहे गोल किया है, ये गोल किया है, इन सर्कल किया है कि ये सीपी है, सीपी जहां पर भी इंस्ट्रूमेंट चेंज होगा वो फोर साइड में रहेगा, 0.251 का फोर साइड, ये 0.251, और इसके बाद वाला रीडिंग कहां जाएगा, बैक साइड में, तो ये वाला रीडिंग जो रहेगा उसके बाद यही ने लिखा है 1.532, ये कहां आ गया, बैक साइड में, उसके बाद ये रीडिंग कहां जाएगा, इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट में कितना है 0.996, और ये लास्ट रीडिंग कहां जाएगा बेटा, लास्ट रीडिंग जाएगा फोर साइड में, तो यहां लिख दिया 2.1, अरे लास्ट रीडिंग यहां ना होगा 2.135, ठीक है, ये मेरा बुकिंग हो गया। बुकिंग यदि हो गया तो 50% तो आपका सोल्यूशन हो गया, क्योंकि आपका ये तरीके से बन गया तो आगे का बन जाएगा। अब हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में, 1 से 2 को माइनस करना, 2 से 3 को करना, 3 से 4 को, 4 को, 4 से 5 को, 5 से 6 को, कंटिन्यूसली करना, छोड़ धर किया तो फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर आंसर कभी नहीं मिलेगा, कंसेक्यूटिव चाहिए। बच्चा लोग कैसा करेगा, यहां से यहां करेगा, उसके बाद यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसा नहीं होता, कंसेक्यूटिव एक के बाद एक। देखिए बोला तो गिनती पढ़ते था, 1 2 3 4 ऐसा पढ़ रहा। अब इधर देखो, ये पहला रीडिंग था, इसको इससे माइनस करेंगे,
हल्का सा पेंसिल में कहता है सब बना के रख लीजिएगा, ठीक है। एचबी पेंसिल आता है, एचबी 2H, एचबी 2H 3H वाला, जो 4H वाला पेंसिल पतला वाला, ऐसा ये बना, ये देखो 1 के बाद 2 है, और 2 से किसको बोला 3, हुआ कि नहीं बाबू, 1 से 2, 2 से 3, 3 से किसको करेंगे 4, ये 3, उसका ये 4, 4th वाला ही बोला था ना स्टेशन चेंज हुआ, 4th हुआ, 4th के बाद ये क्या है, फिफ्थ रीडिंग है, स्टेशन चौथा रीडिंग क्या है, पांचवा, ये पांचवा कैसे करेंगे 6 से, ये 6 को 8 से, ये 8 को 9 से, ठीक है। और इसके बाद कौन सा रीडिंग लिखा हमने, ये लिखा, इसको इससे, इसको इससे, ऐसा माइनस करेंगे, ये एरो लगाइए, फिर से एक बार समझो गिनती करो, तो ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद यहां है हम, 8 के बाद 9 10 11 रीडिंग है, और ये भी देख लीजिए कि 11 रीडिंग था कि नहीं, तो ये 1 से 2 को कर दिया, ये 2, 2 को 3 से, 3 को 4 से, यहां तक आए, फिर यहां बकाया करें आप क्या करें, कुछ नहीं है, 4 हो गया ना, 4 के बाद क्या है 5, 5 के बाद ये 6, ये 6 के बाद 7, 7 के बाद ये 8, फिर से भी जाएगा बकाया करें, कुछ नहीं करना, 8 हो गया ना, 9 पे जाओ ना, ये 9, 9 के बाद ये 10, 10 के बाद ये 11 रीडिंग हो गया कि नहीं, कंटिन्यू इस टाइप का सब्ट्रैक्शन करना है, इससे इसको माइनस कीजिएगा, फिर इसको इससे माइनस कीजिएगा, 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 इसको इससे माइनस कीजिएगा। अब इनको जब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन यदि प्लस आएगा तो राइज वाले में लिखिएगा, यदि माइनस आए तो फल वाले कलम में, पहले वाले में कुछ नहीं करना, पहले वाले में सिर्फ आपको ये दिया हुआ है, ये लिख के रख लेना आपको, 820.765 आपको दिया था प्रॉब्लम। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, हम एक जगह करके रखे, बेटा कैलकुलेटर भी रखा हूं लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। देखिए 0.8954 को 1.643 से माइनस करेंगे, ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटा से बड़ा करेंगे तो क्या आएगा माइनस, ये माइनस इसके पर लग रहा है ना, तो ये हुआ 0.749, इसको ना माइनस कीजिए, तो ये फल वाले कॉलम में गया, कितना आया 0.749, किसको किससे माइनस किया बेटा, एक नंबर को, एक नंबर रीडिंग को दो नंबर रीडिंग, फिर अब ये दो नंबर रीडिंग को इस तीन नंबर, देखिए दो नंबर वाला क्या है छोटा है, ये उसके अगला वाला बड़ा है, मतलब ये भी माइनस में जाएगा, ये 1.643 को माइनस कर रहा है किससे 2.896 से, ये भी फाल में गया 1.253, कितना गया 1.253, पहले वाले में कुछ नहीं लिखना बेटा, बेटे एक ना रीडिंग है तो आपको कौन चीज लिख दीजिएगा यहाँ पे, या कुछ नहीं रहेगा ना, राइज रहेगा ना फाल रहेगा पहले रीडिंग में, समझ आए, दूसरे से लिखना चालू करना, ये किया। अब ये 2.896 माइनस कितना करेंगे 3.016, ये भी बड़ा है और ये छोटा है, स्मॉल रीडिंग है, इट इज ए स्मॉल एंड इट इज अ ग्रेटर, इसको इससे माइनस करेंगे, ये भी फाल में जाएगा, माइनस आएगा 0.120, कितना रहा 0.120। अब क्या करेंगे, 0.954 को 0.692 से करेंगे, ये 954 है और ये 692 है, तो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये चले गया आपका राइज में 0.262, कितना गया 0.262। अब क्या करेंगे, ये 5 है, अब 0.692 को 0.582 करेंगे, 692 को 582 करेंगे, ये भी ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसका आंसर प्लस आएगा, तो इससे 0.692 को 0.582 से माइनस करेंगे तो ये हो गया 0.110, कितना हो गया 0.110, ठीक है। अब नेक्स्ट 0.582 को कैसे माइनस करेंगे 0.259 से, ये 582 बड़ा होता है, 251 छोटा है, पॉइंट भी छोड़ दो अभी, तो 582 बड़ा होता है, ये भी प्लस में जाएगा 0.331, कितना रहा है 0.331,
राइज वाले कॉलम में गया। अब हम यहां आएंगे 1.532, ये भी बड़ा है ये छोटा है, ये भी राइज के कॉलम में जाएगा 0.536। अब इसको इससे माइनस करेंगे, देखो ये छोटा है ये बड़ा है तो फाल हो जाएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा मतलब फाल मिल जाएगा 1.139। ठीक है, अब ये कैसे आया, हमको तो कैलकुलेट करना था ये वाला, कुछ नहीं करना है जी ये वाला जो है। ठीक है, इनके लिए अभी ये सोचो ये कुछ नहीं है, ये तो हम पहले से कैलकुलेट करके रखे थे। ये वाला आपको दिया है, ये वाला दिया है ना 800 20.765, इतना दिया है। अब आपको दो ये कॉलम है इनका महत्वपूर्ण है, पहला का कुछ नहीं करना है इसका तो आरएल दिया, दूसरे के लिए देखो फाल है क्या, फाल है मतलब माइनस। अब क्या करना है, ये वाले में से ये वाले को माइनस करो, ये 820.765 माइनस 0.749 फाल मतलब माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये जो इतना आया इसमें से इसको फिर माइनस करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, ये जो इतना आया इसमें से इसको माइनस करेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, अब अगर राइज वाली बात में तो ये जो ये वाला फिगर था इसमें इसको इतना प्लस कर देंगे इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर ये प्लस वाला है तो इस 818.905 को इसमें प्लस कर देंगे इतना हो जाएगा। ठीक है, ये भी फिर प्लस में है तो इसमें इसको प्लस करेंगे इतना हो जाएगा, इसको फिर इसमें प्लस करेंगे इतना हो जाएगा, और ये फल वाला है तो ये लास्ट वाला ये जो रीडिंग है इसको इससे माइनस कर देंगे तो इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कुछ नहीं, राइज वाले रीडिंग को प्लस करते जाइएगा, फल वाले को माइनस करते जाइएगा, और आप पहले वाला आरएल से रिस्पेक्ट में तो बस चलते चले जाएगा। इसको इससे माइनस किया इतना आया, फिर इससे इसको माइनस करेंगे इतना आ जाएगा, इसको इससे माइनस करेंगे इतना आ जाएगा, फिर ये राइज वाला रीडिंग है तो इसमें इसको प्लस कर देंगे ये आ जाएगा, इसको इसमें प्लस कर देंगे ये आ जाएगा, इसको इसमें प्लस कर देंगे ये वाला आ जाएगा, इसको इसमें प्लस कर देंगे ये वाला आ जाएगा, फिर लास्ट रीडिंग फॉल में तो यार 819.882 को इससे माइनस करेंगे ये वाला आ जाएगा। कोई दिक्कत है, अब आपका ये जो हमने कैलकुलेशन किया ये वाला ना हमको कैलकुलेट करना था कि डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन फर्स्ट एंड आर, ये एट पे अपन कहीं सीपी नहीं लिखे थे, ख्याल रखेगा एट पे सीपी लिखेगा। फर्स्ट का कितना था 820.765 माइनस क्या करना था लास्ट आर एल, लास्ट आर एल कितना था 818.743। ठीक, कितना हो गया ये 2.022 मीटर, देख लीजिएगा माइनस करके, हो सकता है इधर उधर भी हो जाए, मतलब मोटा मोटी 2 मीटर का क्या है लेवल डिफरेंस है पहला और लास्ट पॉइंट में। ये आंसर था आपका, ये पूछा था, ये नहीं कीजिएगा तो 2 नंबर यही माइनस हो जाएगा, इतना बड़ा जो मेहनत किया सब चौपट हो जाएगा। अब चेक कर लीजिएगा सबमिशन ऑफ बैक साइड को प्लस कीजिएगा, 1 2 3 रीडिंग को प्लस कीजिएगा, ये सबमिशन बैक साइड और सब इसका कितना 1 2 3 है, ये 4 साइड का भी तीनों रीडिंग को प्लस कीजिएगा, बैक साइड में से 4 साइड को तीनों रीडिंग का जो सम आया उसको सबमिशन ऑफ बैक साइड बोलते हैं, माइनस सबमिशन ऑफ 4 साइड कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो जो है सबमिशन ऑफ राइज माइनस सबमिशन ऑफ फॉल। इसमें कितना रीडिंग है 1 2 3 4, ये चारों को प्लस करना, इसको भी चारों प्लस करना, नहीं यहां ज्यादा 1 2 3 4 है, चारों को इसको प्लस करना, इसको जो राइज आया सबमिशन इसके सबमिशन ऑफ फॉल से माइनस करना, तो वो जो सबमिशन ऑफ बैक साइड माइनस सबमिशन ऑफ 4 साइड के बराबर होनी चाहिए, और क्या बताया तीसरा क्या बताया इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, तब फर्स्ट में से लास्ट को घटाइए पॉजिटिव आया था इधर नेगेटिव आएगा मतलब -2.022 आएगा वो, तो तीनों का जो डिफरेंस आए वो कितना इंची -2.022 मीटर आना थी। तो हमारा आंसर जो हमने आर एल कैलकुलेट की है वो ठीक है, नहीं आया तो गलत है। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि हम कोशिश किया है समझाने का कि आप लोग को राइज एंड फॉल मेथड से आर एल कैसे कैलकुलेट करना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे लोग बैठते हैं उन लोग के लिए मुझे लगता है कि ये इजी होगा। और कितना समझ आया लिखिएगा, समझ आया कि नहीं आया
आप लोग कर पा रहे कि नहीं, इसको देख के बुक के एग्जाम्पल को या बुक के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पाए। यदि आप कर पा रहे हैं तो हम जो डिलीवर किए वो ठीक था, और नहीं कर पा रहे तो हम जो डिलीवर किए वो गलत गड़बड़ है।